एक्सप्रेशन फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। देखो ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक है कि मान लो आपके पास दो इनफाइनाइट वायर्स हैं आमने सामने, ये लो, तो मान लो इनमें करंट की वैल्यू, जो करंट की वैल्यू है इसमें कितनी है आई वन, एंड सिमिलरली इसमें जो करंट की वैल्यू है वो कितनी है आई टू, एक आई वन और एक आई टू। इसके अंदर मान लो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है ए। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये आई वन है, ये आई टू है और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है ए, ठीक है यहां तक? तो अब देखो ये दो वायर्स एक दूसरे पे फोर्स क्यों लगाएंगी, इसको समझते हैं। जो फर्स्ट वायर है ये वायर नंबर वन है और ये वायर नंबर टू है, ठीक है? जो फर्स्ट वायर है वो सेकंड वायर या फर्स्ट वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। हमने किया बैट सेवेट लॉ में कि मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट वायर का क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर। तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, तो फर्स्ट वायर के मैग्नेटिक फील्ड में सेकंड वायर पड़ी हुई है और जिसमें क्या प्रेजेंट है करंट। तो ये वायर में करंट, ये करंट कैरिंग वायर है और ये करंट कैरिंग वायर इसके मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है, तो ये विल, दिस विल एक्सपीरियंस अ फोर्स पी आई एल साइन थीटा। सिमिलरली ऐसा भी कर लें कि ये जो करंट कैरिंग वायर है ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, तो ये जो वायर नंबर वन है वो सेकंड के मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है, तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। हाँ ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सिर्फ एक ही वायर ली, उसने अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया और फिर आप ये कहने लग गए कि देखो सर इसमें करंट कैरिंग वायर है ये अपने ही मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। ना, एक वायर के अंदर अगर करंट है वो अपने ही मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करके खुद पे फोर्स कभी नहीं लगाएगी। हाँ कोई और उसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, उसमें इस करंट कैरिंग वायर को रखो, हाँ इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो अगर मैं ये पूछूं कि ये वायर नंबर वन है, इस वायर नंबर वन के अंदर आई वन करंट है, तो मान लो यहाँ पे ये बी क्या जनरेट करेगा, वन वाला करंट बी वन जनरेट करेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू आई वन डिवाइडेड बाय ए। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो यहाँ पर ये आई वन करंट है, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू आई वन डिवाइडेड बाय ए। समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्लियर है? अब यहां पर इस करंट कैरिंग वायर ने यहां पर क्या जनरेट किया, बी जनरेट किया। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि इस वायर पे कितना बी जनरेट हुआ, तो इस वायर पे कितना बी जनरेट हुआ इसके लिए मान लेते हैं ये क्या है इसकी स्मॉल लेंथ, तो दिस इज स्मॉल लेंथ एल, एलिमेंट ले लेते हैं इसका एल लेंथ का। वैसे तो वायर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट पे तो फोर्स ही निकाल पाऊंगा, एल लेंथ पे निकाल पाऊंगा। ये B1 किसने जनरेट किया, इसने जनरेट किया, डायरेक्शन बोलो वो बैट सेवर्ट लॉ, राइट हैंड करंट ऊपर है तो B कैसे है इनसाइड है, तो B के ब्रैकेट में लिख लेते हैं इनसाइड है, राइट तो B इसमें इनसाइड है, ये करंट है I2 और लेंथ इसकी L है, तो ये बताओ कि इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स कितनी, B1 I2 L साइन 90, यानी कि करंट कैरिंग वायर I2 B किसका यूज करेगी, इसका B1 का, तो B1 की वैल्यू हमें पता है, करंट और लेंथ हमें पता है, I और I2 पता है, तो यहां पर जो फोर्स लगेगी उसका फॉर्मूला होगा B1 I2 L sin 90। मतलब ये वायर अपना करंट यूज करेगी, अपनी लेंथ भी यूज करेगी पर B अपना यूज नहीं कर पाएगी, B ये साथ वाली का यूज करेगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? डायरेक्शन बोलो, बी कैसे है इनसाइड, डिस्प्ले करंट कहाँ है ऊपर, तो फोर्स कहाँ लगेगी लेफ्ट, तो बी करंट फोर्स लेफ्ट। तो ऐसा करते हैं यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं फोर्स, फोर्स किसके ऊपर, वायर नंबर टू के ऊपर, किसकी वजह से, वायर नंबर वन की वजह से। इसको कैसे रीड करेंगे कि टू के ऊपर फोर्स है और किसने लगाई, वन वायर ने लगाई तो अट्रैक्ट किया इसने। अब एक काम करते हैं इसकी वैल्यू भी देख लें, F of 2-1 की वैल्यू होगी बोलो क्या, B1 ये जो फोर्स है ये B कौन सा यूज करेगी, ये वाला B1 into
I2 into L into sine of 90. तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है. नेक्स्ट है, अब फिर यहां से शुरू करते हैं. ये I2 करंट है, I2 करंट ने इसके ऊपर क्या लगाया? B लगाया. तो I2 करंट ने इसके ऊपर B लगाया, और B कैसे लगाया? I2 करंट ने इसके ऊपर B की वैल्यू क्या लगाई? B2 लगाई. तो B2 की वैल्यू क्या होगी बोलो? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इनटू I2 डिवाइडेड बाय A. तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो I2 ने क्या लगाया? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इनटू I2 डिवाइडेड बाय A, राइट. अब डायरेक्शन बोलो, इसमें करंट कहाँ है? ऊपर. तो B इसमें कैसे होगा? आउटसाइड. तो लिख लेते हैं इसके ब्रैकेट में. तो इसका B कैसे लिया जाएगा इसमें? आउटसाइड. ये भी क्लियर है? तो मान लेते हैं इसकी भी लेंथ इमेजिन कर रहे हैं, कुछ L लेंथ है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी. फोर्स की डायरेक्शन बोलो, B कहां पर है? आउटसाइड. आउटसाइड. करंट कहां पर है? ऊपर. B आउटसाइड, करंट ऊपर, फोर्स कहां लग रही है? इस तरफ. तो B आउटसाइड है, यहां पर लिखा हुआ आउटसाइड है. करंट कहां पर है? ऊपर. फोर्स कहां पर है? लेफ्ट. तो ये फोर्स की वैल्यू किसके ऊपर? वन वायर के ऊपर. किसने लगाई? टू ने लगाई. तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? वन वायर के ऊपर फोर्स किसने लगाई? टू ने लगाई. समझ में आ रहा है? तो इसमें F21 और F12, राइट. अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो वायर्स आर कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. एक दूसरे के आसपास आमने सामने फोर्स है, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. तो ये रिजल्ट याद रखेंगे आज की बात. ये इतना लंबा नहीं करेंगे कि आउट है, रूल लगाओ, देखें फोर्स. नहीं, हम सिंपल रूल याद करेंगे. अगर दो पैरेलल वायर्स हैं, करंट कैरिंग वायर्स हैं, एंड करंट उनके बीच में सेम डायरेक्शन में है, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो दे विल रिपेल ईच अदर. तो एक फोर्स इधर आएगी, एक इधर आएगी. ये शॉर्टकट याद रखेंगे. तो क्लियर है यहाँ तक? तो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है. इफ टू वायर्स आर कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. एंड इफ टू वायर्स आर कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दे विल रिपेल ईच अदर. क्लियर है यहाँ तक? तो ये वैल्यू आ गई आपके पास. तो आपने F12 निकाल लिया, और ऐसी F21 की वैल्यू क्या होगी बोलो? F12 क्या होगा यहाँ पे? F of 12 will be equal to B2. यहाँ पर क्या है? B2 किसने लगाया? सेकंड वायर ने लगाया. करंट ये अपना खुद यूज करेगा, I1 into L into sine of 90. क्लियर है? और B2 की अगर मैं वैल्यू पूछूं, B2 की वैल्यू कितनी है? तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I2 by R, क्योंकि I2 ने लगाया B2. तो एक काम करते हैं, हम यहां पर ये वैल्यू पुट कर लेते हैं B2 की, mu नॉट by 4 pi 2 into I2 by R into I1 into L. पुट कर लिया यहां पे. यहां पे L लेंथ को F के नीचे ले आओ, तो क्या बनेगा? F12 by L will be equal to mu नॉट by 4 pi इंटू टू इंटू आई वन इंटू आई टू डिवाइडेड बाई कितना? R. तो ये आपके पास फोर्स पर यूनिट लेंथ का एक्सप्रेशन आ गया. फोर्स नहीं, ये एक्सप्रेशन किसका निकालना है? फोर्स का नहीं, फोर्स पर यूनिट लेंथ का, कि कितनी फोर्स है, कितनी लेंथ पे है. तो आपने क्या किया, इसमें पहले फोर्स निकाल ली, लेंथ को लेफ्ट साइड पे ले गए, तो क्या बन गया? फोर्स पर यूनिट लेंथ. सिमिलरली यहां से करना, यहां से कर लो ये लो. तो अगर इस तरफ से करते हैं, ये देखो अगर हम यहां से करते हैं, तो क्या बनेगा? F of 21 will be equal to B1. B1 करंट किसने जनरेट किया? करंट I1 ने जनरेट किया by A into I2 into L. तो F of 21 by L is mu naught by 4 pi into 2 into I1 into I2 divided by A. तो चाहे आप F21 निकाल लो, चाहे F12 निकाल लो, फोर्स पर यूनिट लेंथ का एक्सप्रेशन दोनों तरफ से एग्जैक्टली क्या आएगा? सेम आएगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई वन आई टू डिवाइडेड बाय ए. याद रहेगा यहां तक? तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो ये याद रखना इसमें कि सपोज करो आपके पास अगर दो वायर्स हैं, ठीक है, और करंट दोनों में कैसे है? सेम डायरेक्शन में है, आई वन एंड आई टू, तो दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. और दूसरा रिजल्ट भी याद रखना
कि अगर आपके पास दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स हैं और करंट एक में I1 ऊपर है और एक में नीचे है, तो दे विल रिपेल ईच अदर. क्लियर है यहां तक? दे विल रिपेल ईच अदर. कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? तो करंट इसमें सेम है या ऑपोजिट है, उस पर फोर्स की वैल्यू चेंज होगी. इस एक्सप्रेशन में एक और चीज पूछी जा सकती है कि व्हाट इज फंडामेंटल फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर. एक्सप्लेन करो फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर. ये भी पेपर में आ जाता है. तो आपने ये लिखना है कि जब जो फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू दो करंट कैरिंग वायर्स में म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइडेड बाय क्या है, ए. तो अगर मान लो म्यू नॉट बाय 4 पाई, तो सबको पता है 10^-7 है. अगर दो वायर में डिस्टेंस 1 मीटर है, करंट 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करना है तो 1 एम्पियर है, तो दो वायर्स में फोर्स पर यूनिट लेंथ की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 2 × 10^-7 न्यूटन पर मीटर. तो आप फंडामेंटल डेफिनेशन 1 एम्पियर को ऐसे डिफाइन करोगे कि 1 एम्पियर वो करंट है जो दो पैरेलल वायर्स में है, चाहे करंट सेम डायरेक्शन में है या फिर करंट दोनों वायर्स में ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सच दैट कि अगर मैं उनको 1 मीटर अपार्ट रखूं तो उनके बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू 2 × 10^-7 न्यूटन पर मीटर अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है. दिस इज डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर.